हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी वजह से न जाने आपके घर, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार में न जाने कितने लोगों को इस डर की वजह से कितने लोगों ने लूटा होगा। हमारे इंडिया में डर का व्यापार, भय का व्यापार इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि लोगों की जान तक के पीछे लोगों की जान का भी लोग सौदा कर रहे हैं। और जिसे आप दुनिया का दूसरा भगवान या फिर दुनिया का दूसरा भगवान मानते हैं, वही आपके साथ ये छल कर रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि भगवान का दूसरा रूप हम किसे मानते हैं। इट इज़ द डॉक्टर्स। मैं सारे डॉक्टर्स को नहीं कह रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ एक अपने इंडिया की एक सिस्टम के बारे में कि हमारे इंडिया में जो है कि डर का व्यापार, पहले तो लोग धर्म के रूप में डर का व्यापार करते थे, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन्स का विकास हुआ, लोगों में एजुकेशन्स बढ़े हैं, उसी हिसाब से धर्म को लेके जो डर का व्यापार, जो भय का व्यापार होता था कि ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, किया जाता था, उसकी कुछ परसेंटेज में तो कमी आई है, लेकिन हमारे साइंस को लेके हमारे लिए एक डर पैदा कर दिया गया है। आज के हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए उन लोगों से अधिक इनकम करना चाहते हैं जो कि अपने किसी घर वाले या फिर अपने किसी रिश्तेदार को लेके उनके यहाँ गए हैं। उस टाइम ना तो इंसान के पास बस एक ही ऑप्शन रहता है कि तो कैसे भी करके अरेंजमेंट, चाहे जहाँ से इनकम का अरेंजमेंट करके डॉक्टर्स को देना है और अपने उस पार्टनर्स की, अपने उस रिलेटिव्स की लाइफ को बचाना है। तो इसी डर का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम बात करते हैं वायरल डिजीज़ के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे वायरस के कारण हमारे बॉडी में वायरल डिजीज़ होते हैं, जैसे कि सीपा वायरस, नीपा वायरस, H1N1 वायरस, बहुत सारे वायरस आते हैं हमारे इन्वायरमेंट में और वो आते हैं, फिर किसी सीजन में हमको इन्फेक्ट करते हैं, उसके बाद न जाने कहाँ चले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? देखिए, वायरल डिजीज़ की तो कोई मेडिसिन होती नहीं है, और क्योंकि वायरल, मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि वायरस जो होता है वो अपने सेल्स में प्रेजेंट होता है, ना कि आपके ब्लड में, और मेडिसिंस केवल और केवल आपके ब्लड में ट्रैवल करता है, ना कि आपके सेल्स में। सेल्स के बाहर आने पर वायरस जो है वो खुद ही मतलब डाइट कंडीशन पे चला जाता है। अगर हम बात करते हैं पहले कि वायरल कैसे पता चलता है कि आपकी बॉडी किस वायरल से इन्फेक्टेड है। कोई भी वायरस होता है वो आपके सेल में जब आपको इन्फेक्ट करता है तो आपकी बॉडी में वही सारे वायरस एक ही एक्टिविटीज़ को शो करते हैं, जैसे कि लो एनर्जी, आपकी बॉडी में एनर्जी लो हो जाएगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, सब में एक ही फंक्शंस होता है। तो डॉक्टर्स कैसे जान जाते हैं कि ये हमारी बॉडी कौन से वायरस से मतलब कि इन्फेक्टेड है? देखिए, इंडिया के कोई ऐसे रिसर्च सिस्टम नहीं है जिससे कि वो पता कर सके कि आपकी वायरस किस डिजीज, आपकी बॉडी किस वायरस के डिजीज़ के अंतर्गत आ रही है। अमेरिका में रिसर्च कंपनी FDA जिसके रिसर्चर्स वहाँ से हमें बताते हैं कि आपके देश में किस वायरस के कारण इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो उसी बात को आपके डॉक्टर आपके पास तक पहुँचाते हैं। और जैसे कि आपके डर के साथ एक नया व्यापार किया जाता है जिससे नए नए बैक्टीरियाज का नाम बताया जाता है, जिससे कि लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी बीमारी, और उन लोगों को अच्छी तरीके से डॉक्टर्स उनकी उनसे अपनी इनकम को बढ़ाते हैं। आप अपने डिजीज़ के टाइम डॉक्टर्स के पास जाते ही क्यों हैं? ज़्यादातर लोग इसमें से यही कहेंगे कि उनके पास ज़्यादा नॉलेज, उन्होंने 5 से 7 साल तक डिजीज़ के बारे में स्टडी की है, सो हम उनके पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपका किसी अंधेरी कमरे में कुछ कुछ कीमती सामान खो जाता है तो आप क्या करोगे? लाइट्स के सोर्स को लाएंगे और उस वस्तु को खोजेंगे, ना कि उस कमरे को लाइट के सोर्स में ले जाएंगे। सो वी ट्राई टू से दैट कि एजुकेशन्स को अपने अंदर गेन कीजिए, और बस कुछ एजुकेशन्स को गेन करने के बाद अब अपने इस व्यापार से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने किसी भी रिलेटिव्स को बचा सकते हैं। तो फाइनली मैं बस इतना कहूँगी कि
तो डॉक्टर्स के पास से जाने से बचे और जब तक हो सके अपने आप को अपने आप से प्रोटेक्ट कीजिए, अपना डॉक्टर खुद बनिए। जैसे कि अगर आपकी किसी बॉडी के किसी बोन में कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है या फिर आपकी बॉडी का कोई ब्रेन ब्रैक हो जाता है तो आप डॉक्टर्स के पास श्योरली जाइए। उस टाइम आप अपने इलाज को स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन अगर जब तक पॉसिबल आपको वायरल डिजीज़ है, आपको कोई भी फंगल डिजीज़ है, तो आप उसकी फर्स्ट मेडिसिन अपने किचन में खोजिए, अपने इन्वायरमेंट में खोजिए। जब भी किसी डॉग या किसी एनिमल्स या फिर किसी भी पेट को या फिर किसी भी फॉरेस्ट एनिमल्स को कुछ भी डिजीज़ होता है तो वो अपनी मेडिसिन अपने ग्राउंड में खोजते हैं, वो किसी डॉक्टर्स के पास नहीं जाते और हमसे जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्या आपने कभी सुना है किसी एनिमल्स को हार्ट अटैक हुआ या किसी एनिमल को डायबिटीज़ है? जी नहीं, क्योंकि वो अपनी डिजीज़ को अपने एनवायरमेंट में खोजते हैं। मेडिसिन आपको बस हार्मफुल, जितना वो आपको इफेक्ट, जस्ट उस टाइम तो आपको वो रिलीफ देती है, लेकिन उसके बाद आपको पूरी लाइफ टाइम उसके साइड इफेक्ट को झेलना पड़ता है। तो डोंट यूज़ द मेडिसिन इन द योर जनरल केसेस। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन माई चैनल फॉर दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड अगर आपको इस टॉपिक्स पे कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर आपको आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं है तो प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।